शमसुद्दीन क्यूमस किस वंश का अंतिम शासक था? ए मौर्य वंश, बी गुलाम वंश, सी पल्लव वंश, डी गुप्त वंश। सही उत्तर है गुलाम वंश। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? ए 1510, बी 1511, सी 1505 और डी 1150 ईस्वी। सही उत्तर है ए 1510। दस्तक प्रणाली का अंत किसने किया था? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग दस्तक प्रणाली का अंत किया था। गोपद ब्राह्मण किस वेद का है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्वेद। सही उत्तर है डी अथर्वेद। गोपद ब्राह्मण अथर्वेद में है। शिलाधित की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ए कनिष्क, बी कुमारदत्त, सी हर्षवर्धन, डी अशोक। सही उत्तर है हर्षवर्धन सी। खजुराहो के मंदिर को किन शासकों ने बनवाया था? चंदेल शासकों ने, गुप्त शासकों ने, शुंग शासकों ने, मौर्य शासकों ने। सही उत्तर है चंदेल शासकों ने ए। मुगल वंश का वो राजकुमार जिसका राज्याभिषेक दो बार हुआ? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। सही उत्तर है ए औरंगजेब। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद सेन और डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है ए देवेंद्रनाथ टैगोर। मंगलारों का राजकुमार किसे कहते हैं? ए मोहम्मद गौरी को, बी मोहम्मद बिन कासिम को, सी इल्तुतमिश को और डी मोहम्मद बिन तुगलक को। तो सही उत्तर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? ए वेसर शैली, बी नागर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी पंचायतन शैली। सही उत्तर है द्रविड़ शैली। कैलाश मंदिर एलोरा का द्रविड़ शैली में है। मूलराज प्रथम किस वंश का संस्थापक था? ए पल्लव वंश, बी सोलंकी वंश, सी शुंग वंश, डी शक वंश। सही उत्तर है बी सोलंकी वंश। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? ए छठा, बी सातवां, सी नौवां और डी पांचवां। सही उत्तर है बी सातवां। सबसे लंबा स्तंभ है। तुगलकाबाद नगर नामक नगर किसने बसाया था? ए ग्यासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ग्यासुद्दीन तुगलक। किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी? ए सातवीं ईस्वी, बी पांचवीं ईस्वी, सी छठी ईस्वी, डी आठवीं ईस्वी। सही उत्तर है ए सातवीं ईस्वी। ये सारे प्रश्न अति संभावित हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, बौद्ध धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? ए छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, बी सातवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, सी आठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और डी नौवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। सही उत्तर है ए छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? ए महाराजा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप ने, बी महाराणा रंजीत सिंह ने, सी महाराजा जय सिंह द्वितीय ने और डी सवाई मान सिंह ने। सही उत्तर है सी महाराजा जय सिंह द्वितीय। इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर स्थापित किया और जयपुर राज की, जयपुर शहर की भी स्थापना की थी। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी भवभूति, सी भरत मुनि। सही उत्तर है भरत मुनि। विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ए हेरोडोट्स, बी अरस्तु। सही उत्तर है ए हेरोडोट्स। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? ए द्रविड़ लिपि,
बी भाव चित्रात्मक लिपि, सी ब्राह्मी लिपि और डी कलाक्षर लिपि। सही उत्तर है बी भाव चित्रात्मक लिपि। वीर शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ? ए नासिक, बी तनहार, सी शिवनेर दुर्ग, डी पूना। सही उत्तर है शिवनेर दुर्ग। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिंसेप, बी दयाराम सहनी, सी धलमी और डी रखाल दास। सही उत्तर है ए जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार पूछा गया है।